चार है। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आज के सेशन में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मैंने क्या अनुभव किया, और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि मैंने जो अनुभव किया है हम सब भी वही अनुभव किए हैं। सबसे पहले ब्रदर जी का मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले ब्रदर जी ने सुसमाचार का प्रचार करने के बारे में बताया, और उसने बताया कि पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, और हमें जब प्रचार करने जाना है तो हमें सबसे पहला जो गुड न्यूज़ होता है, समाचार, सुसमाचार बताना होता है, वो यीशु को होता है। और सबसे पहले जब हम जाते हैं किसी के पास तो हम अपना अनुभव को बताते हैं कि हमने यीशु से क्या पाया है, और हमें ये जब और जितना भी सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे तो हम यीशु के बारे में बताएंगे, अपने जीवन में क्या अनुभव किए हैं यीशु को उसके बारे में हम बताने जाते हैं, और उसके बाद में जब हम किसी के पास जाते हैं तो अपना अनुभव प्लस कलीसिया का जो मेल होता है उसके द्वारा हम जब बताते हैं तो वहाँ पर जो मेल मिलाप के द्वारा जो कलीसिया जो विश्वास करते हैं एक एकता संगठन के साथ होता है, मेल मिलाप बनता है। अपना अनुभव प्लस कलीसिया का जो नियम है, जो चीज़ें हैं उसको साथ में लेकर के बताना जाता है, और यीशु ही हमारा सबसे पहला सुसमाचार है। सबसे पहला कोई नहीं है, सबसे पहला सुसमाचार जो ब्रदर जी ने बताया, और सबसे पहला ही यीशु ही हमारा सबसे पहला सुसमाचार है, और मैं भी ये विश्वास करती हूँ। और ये विश्वास करना है कि जब ब्रदर जी ने बताया, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम ईश्वर का मंदिर हो, ईश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। मैं इस वचन पर ये सबसे ज़्यादा विश्वास की, जब ईश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है, हम सब में निवास करता है, मुझ में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पुत्र यीशु जब मुझ में निवास करता है, ज़्यादातर मेरे मन में उसी समय मेरे मन में गलत सोर्स आ रहे थे, कुछ सोच आ रही, जैसे किसी का बुरा या फिर कुछ चीज़ें ऐसा आ रहा था, नेगेटिविटी कुछ आ रही थी, तो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, जब वो मेरे अंदर रहता है तो डेफिनेटली वो दूसरों के अंदर भी रहता होगा। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली वो दूसरों के ऊपर भी रहता है। पिता परमेश्वर अंदर निवास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत उसके बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उसके अंदर निवास करने वाले पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा के बारे में भी हम गलत सोचते हैं। मैंने आज के दिन में सेशन में बस सबसे ज़्यादा मेरे को दिल में छूने वाला जो वचन था यही था, और एक वर्ड था उसका, जो शब्द आदि में जो शब्द था, ईश्वर ही शब्द ही वो यीशु मसीह है सबसे पहले। और वचन में ये भी लिखा है, सडनली मुझे मेरे मन में ये आया जब उत्पत्ति में ब्रदर जी ने बताया, उत्पत्ति में सबसे पहला वर्ड था वो प्रकाश हो जाए, और उसके बाद में यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। तुरंत जैसे ही ब्रदर जी ने वो वर्ड बोला वैसे ही मेरे मन में ये आया, मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु ने ये कहा था। तो उसके बाद में दोनों जब हमारे जीवन में जैसे ही हम अपनाते हैं यीशु मसीह को, हमारे जीवन की जो अंधकार, जो पिता परमेश्वर ने जो बोला कि प्रकाश हो जाए, जैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको अपनाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से वो जो अंधकार की जो भी शक्तियाँ रहती है, जो भी परेशानियाँ रहती हैं, दुर्बलताएँ रहती हैं, सब चीज़ उसी समय ख़त्म हो जाती है। हमारे जीवन के जितना भी अंधकार का मेन पॉइंट रहता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और उसका एक गाना था, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। मैं ऐसे अनुभव करती थी, लेकिन ये फर्स्ट था कि मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है इस गाने को लेकर, और मैं इतना इंजॉय, मतलब इतनी खुशी के साथ इस गाने को अपनी लाइफ में डांस कर रही थी, वहाँ बस इतना ज़्यादा मैं आनंदित थी, मैं बता नहीं सकती जब इस गाने को मैं वो कर रही थी। और जब ब्रदर जी ने बताया, जब हम सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं तो यीशु को तो हम अपने स्वभाव में धारण करते हैं, जैसे जब हम यीशु को बताने जाते हैं तो हमारे मेन पॉइंट एक वरदान भी होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि आजकल ज़माना इतना हो गया है कि सिर्फ वचन से उन लोग नहीं होते हैं, उन लोग प्रूफ भी चाहिए होता है कि यह सचमुच है। ब्रदर जी ने आज इसको पूरा एक्सप्लेन किया कि लास्ट सेशन में पूरा चीज़ की वरदान भी हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है। और जब हम अपने वरदान का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं, तो जिस तरह से वहाँ पर जब अर्धांग रोगी को लेकर के आए तो यीशु ने कहा बेटा,
तो सबसे पहले उसने वो वर्ड कहा बेटा। तो हमें भी जब किसी के पास जाते हैं, हम यीशु के बारे में बताने जाते हैं किसी के पास, लोगों के पास जाते हैं, तो हम लोगों को एक प्यार से देखना चाहिए, जो नम्र और दीनहीन की तरह उसके पास जाना चाहिए। आजकल सच में ये बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रदर जी ने ये सच कहा, और ना सच में ये है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम अमीर हैं, मतलब बहुत अलग हैं, हम अच्छे हैं, हम प्रेयरफुल हैं, ये सारी चीज़ लोग सोचते हैं, और हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते हैं। जब साथ में रहते, उनके पास वरदान है, वो प्रचार करने भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जब प्रचार करने जाते हैं, यीशु के बारे में जाते हैं बताने, तो सबसे पहला थिंग है, जैसे ब्रदर जी ने पहले भी बोली कि सबसे पहला यीशु ही हमारा पहला सुसमाचार है। हम लोग सबसे पहले यीशु को अपने स्वभाव में धारण करेंगे, अपना सोच, अपना विचार, अपने आप को जैसे जीजस थे, वो दया से भरपूर थे, आनंदित थे, शांति थे, दया से भरपूर थे, वो प्रेम थे, वो प्यार है, और वचन में भी लिखा है ईश्वर प्रेम है। अगर हम यीशु को धारण करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे वहाँ जाने से पहले हम जैसे उस जगह पे कदम रखेंगे, यीशु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कदमों के द्वारा, वहाँ ऑटोमेटिक यीशु का प्यार वहाँ पे बहने लगेगा। उनके घर में जो दुख है, जो तकलीफ है, हमारे कदम रखते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा यीशु वहाँ पे जाएगा। क्योंकि ब्रदर जी ने एक एग्जाम्पल दिया, अपना जो गवाही बताए, जब वो किसी फैमिली के पास गए थे, तो उसने कहा कि वहाँ पर जब वो फैमिली के पास गए थे, उसको नहीं पता कि वहाँ क्या करना है कैसे, लेकिन वो गए, उसने कहा कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद वहाँ काम करना चाहता था, इसीलिए ब्रदर जी को उसने ले करके, पहले ब्रदर जी को नहीं पता था, लेकिन वो ले करके गया। जब वहाँ पर पता चला कि उस बच्चे का तबीयत खराब है, तब उसने वहाँ पर उसको समझ में आया कि नहीं, पिता परमेश्वर। तो हमें पहले जिस तरह से आज के सुसमाचार में भी ये बताया गया कि पवन जिधर चाहता है, पवन को नहीं, हवा को नहीं पता रहता है कि वो किधर बहना है, लेकिन वो जिधर जाता है उधर जाता है, बस हम लोग उसका हवा का झोंका बस महसूस कर सकते हैं, हमें नहीं पता रहता है कि उसका रूप किधर होता है। उसी तरह से हम पवित्र आत्मा के लोग, चलाए चलने वाले लोगों को, जब हम सुसमाचार का प्रचार, सिर्फ प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जब हम लोग किसी के सुसमाचार का प्रचार करना जाते हैं, और वहाँ पर हीलिंग करना चाहते हैं, या फिर उसको चंगाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्या सच में जीसस यही चाहते हैं? क्या उसको हील करना चाहते हैं? क्या उसको स्वस्थ करना चाहते हैं? जीसस की मर्ज़ी क्या है? ये चीज़ करना चाहिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा लगा। और एक चीज़ था, जब जीसस हमारी लाइफ में आते हैं, तो सबसे पहले हमारी हृदय की चंगाई होती है, सबसे पहले हमारी आत्मा की चंगाई होती है। जैसे ही आत्मा हमारी चंगाई होती है, आत्मा में हम हील होते हैं, वैसे ही हम मन में भी, उसके बाद में तुरंत मन में, बाद में हमारी चंगाई, मतलब शरीर में चंगाई होती है। अस्वस्थ के बारे में परमेश्वर ने, मतलब हीलिंग के बारे में ब्रदर जी ने बताया, और हमें कैसे करना चाहिए ये चीज़ें बताए। और हमारा ग्रुप का जो चौथा नंबर था, उसमें एक चीज़ मैंने देखा कि जब हम चारे ग्रुप में गए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन तो नहीं किए, बट ऐसे बातें किए, क्योंकि बहुतों को जानते थे हम लोग, नहीं भी जानते तो भी एक साथ अच्छे से, जैसे पहले से जानते हैं, इस तरफ से बातें करने लगे। और उसके बाद में एक चीज़ सबका कॉमन चीज़ था कि किसी को यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, किसी को लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत था कि हम नहीं आए, और इस टाइप से सिचुएशन था सारे का। लेकिन सबको ये जरूर विश्वास किया कि परमेश्वर के, जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा रहती है, वहाँ पर लोग मतलब पवित्र आत्मा उनको ले करके ही आ जाता है, जैसे ही वो लोग कदम रखे। और सबको, ज़्यादातर लोगों को ये मॉर्निंग में पता चला कि हाँ आज डिवाइन वचन आश्रम जाना है, या तो फिर कल पता चला। मेरे ग्रुप में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ आज मॉर्निंग में पता चला है, और उन लोग तुरंत आ गए, वो लोग परमेश्वर का काम। और ये बात सही है कि परमेश्वर जब तक नहीं चाहता है तब तक नहीं आते हैं, और सभी लोग आए। और फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब उस समय पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना की, उस ग्रुप में हमारे सबका एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, और सबको ये अनुभव किए कि सच में हम सभी एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है करके। और जब मैंने ये ग्रुप में मेरे लिए प्रार्थना किए गए, तो मैंने ये चीज़ महसूस किया, मैंने चीज़ ये फील किया कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, और मैं आग पवित्र आत्मा के अभिषेक से परी। सेकेंड टाइम जब हमने प्रार्थना किया एक दूसरे के लिए, सेकेंड ग्रुप में जब गए हम हीलिंग के लिए प्रार्थना किए, तो हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना किए। और ये जब हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, ये देखे कि सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएँ सुनता है। और वहाँ पर कभी कभी मन में ये शैतान डालता था मन में
तो फिर ये चीज़, हाँ सबको ये, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये दो वचन बहुत था कि क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है, वो मेरे अंदर भी है और उसके अंदर भी है। पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर काम कर रहा है तो उसके अंदर है तो उसके अंदर भी काम करेगा सबका। मतलब स्टार्टिंग में जो एक अम्मा थी वो बोल रही थी कि हमारा ग्रुप बहुत अच्छा, सबका ग्रुप अच्छा था बट हमारे ग्रुप का मैं बता रही थी, और अम्मा बोल रही थी कि हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे लोग हैं, पता उतना तो मराठी मुझे भी ठीक से नहीं आती बट उसने मराठी में बोल रहा था। और पूरा ग्रुप का प्रेयर बहुत अच्छा रहा, हम एक दूसरे के साथ मिले और उसमें से मुझे भी पता चला कि मतलब प्रार्थना करके मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ऐसे किसी के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करना या फिर ऐसे मतलब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सारी चीज़ें। मैं धन्यवाद देती हूँ।